मुझे पता है सर, आप मेरे गुनहगारों को कभी नहीं पकड़ पाएंगे, कभी नहीं। वो खुली हवा में सांस लेंगे और मैं दिल दिल घूमती रहूंगी और आप चुपचाप सर झुकाए मुझे देखते रहेंगे। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा देश अब लॉकडाउन से अनलॉक की दिशा में बढ़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान जब हम अपने घरों में महफूज बैठे थे, उसी दौरान हमारे ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। क्राइम पेट्रोल और सोनी एंटरटेनमेंट की टीम इन सभी वॉरियर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में इनका योगदान अमूल्य है। लॉकडाउन के दौरान हमारी जिंदगी मानो रुक सी गई थी। जहां पूरी दुनिया कोरोना के मरीजों के आंकड़ों से परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ एक जिंदगी ऐसी भी थी जिसे बिल्कुल एहसास भी नहीं था कि उसके आसपास क्या घट रहा है, और वो थी शांभवी। शांभवी की जिंदगी मानो पहले से ही किसी कैद में बसर हो रही थी, लेकिन शांभवी की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। तुम दोनों बहनों तो स्कॉलर हो और तेरी बड़ी बहन ना तुझसे भी आगे है। यही तो प्रॉब्लम है, पूरी लाइफ दीदी के अचीवमेंट्स में ना मेरे फर्स्ट तो कहीं दिखाई नहीं देते। चल आ। क्या बोल रही है तू? कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही, तुझे पता है क्यों नहीं दीदी पीछे खड़ी है? वो तो माँ पापा का टेंशन था ना इसलिए। तो क्यों इतनी टेंशन लेती है? दीदी तो जस्ट नंबर्स, 5 साल बाद किसी को याद भी नहीं होगा कि तेरे कितने मार्क्स आए। समझी? चले वो हीरोइन स्टडी करने आती है, बाल बढ़ाने आती है। विकास, तेरी गुंडागर्दी मुझ पे नहीं चलेगी, समझा? चल कर। दीदी, जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी ना, मैं समझा दूंगी माँ पापा को। अरे माँ पापा तो ठीक है यार, मुझे टेंशन दादी की है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी तुम इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती हो? जो दादी के ताने झेल सकता है ना, वो कुछ भी झेल सकता है। शांभवी, इधर आ, इधर आ तू। वो भी घर में किसी से पूछे भी ना। राजीव, आरती, इधर आओ। क्या हुआ अम्मा? हाँ अम्मा, कितनी बार कहा है तुमसे, लड़की जात है उसको थोड़ा मर्यादा में रखो। देखा, आज जाके बाल कटवा के आ गई। चल जा अपने कमरे में। कह देती हूँ, ये लड़की एक दिन हम सबको खून के आंसू रुलाएगी, याद रखना। माँ पापा, अब दादी कुछ कहते क्यों नहीं हो? वो इतने ताने क्यों देती है? बेटा, दादी की बात को दिल पे नहीं लेती। कैसे ना लगाऊं पापा, अभी से स्कूल से आए हैं, उनको जो कहना होता कह देती, लेकिन अच्छे से खाना तो खा लेने देती। नहीं बॉबी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं, मैं बाद में खाऊंगी। माँ चमन चाचा का खाना दे दो, मैं उनको दे के आती हूँ। अच्छा ठीक है। चल, पर तुमने बाल क्यों कटवा दिए? कुछ बाद में बताऊंगी। बॉबी तू चल रही सर? नहीं दीदी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप जाओ। चल आराम कर।
चाचा ये लीजिए आपका खाना। डियर रानी कितने महीनों से खाना लाती हो, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन खाना ना लाई हो। भगवान खुश रखे तुम्हें। अच्छा चमन चाचा मैं चलती हूँ, आप ख्याल रखना ठीक है। हेलो हेलो आवाज नहीं आ रहा है। बॉबी जा दीदी को बुला के ला। दीदी दीदी आई नहीं अभी तक। अब मैं बाहर देख के आती हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रही हैं, वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। फोन तो बंद आ रहा है। यहीं कहीं होगी। मैं जाके देखता हूँ। मैं भी आती हूँ। हाँ चल बेटा। चमन, वो मेरी बेटी शांभवी आई थी क्या यहाँ? हाँ साहब, रोज की तरह खाना दिया। बढ़िया खाना था। किस तरफ गई हो? घर की तरफ। बहुत जगह ढूंढा कहीं नहीं मिली। हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी। पागल हो गए हैं तू राजी? इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस में जाएगा? कोई जरूरत नहीं है, यही कही गई होगी, अपने दोस्त के पास आ जाएगी। लेकिन माँ कितनी बार कहा है तुमसे लड़की जाते काबू में रखो, पर मेरी बात सुनता कौन है? गई होगी कहीं पे मुंह फुलाकर। प्लीज पुलिस के पास जाइए ना। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। बड़े मजे में होगी तेरी बेटी। दिन दहाड़े दरवाजे से कोई ने उठा के लेके गया उसे। और हाँ पहले ही बता देती हूँ, पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा बदनामी होगी। Oh
जी बोलिए। क्या ये राजीव चौरसिया का घर है? हाँ, मैं ही राजीव चौरसिया हूँ। वो थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जल्दबाजी मत करो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त दे दो, ठीक हो जाएगी। अरे हॉस्पिटल ले गए तो पुलिस केस होगा, फालतू का बखेड़ा नहीं चाहिए। लेकिन माँ, जब देखो तुम सब लोग अपनी मनमानी करते रहते हो। अरे इस लड़की की ये जो हालत है ना, वो तुम्हारी मनमानी का नतीजा है। अगर इस हालत में ये लड़की घर से बाहर गई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। लेकिन उसको हॉस्पिटल लेकर के चलिए, बहुत खून बह रहा है उसका। काम करते हैं, वो शांभवी को डॉक्टर शाम के पास ले चलते हैं। दोस्त है मेरा, बात बाहर भी नहीं जाएगी। राजीव शंभवी का क्या ग्रेप हुआ है?
शायद दो से ज्यादा लोग थे। बहुत तड़पाया गया उसे। किसी को मत बताना, अपने घर में भी नहीं। ये तो कैसी बातें कर रहा है यार, ये वक्त समाज के बारे में सोचने का नहीं है। अपनी बेटी के बारे में सोच। 11 कांच के टुकड़े, 2 पेपर कप्स, 5 पत्थर के टुकड़े। राजीव, तू और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस दर्द से गुजरी होगी वो बेचारी। मैंने अपने इतने सालों के करियर में ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत नहीं देखी। राजीव, मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ तेरा दोस्त भी, मेरी बात मान। पुलिस स्टेशन गया, रिपोर्ट लिखा और अपने बाप होने का फर्ज निभा। आप टेंशन मत लीजिए, एफआईआर तो हो जाएगा, बस अपनी बेटी को थाने ले आइए रिपोर्ट लिखाने के लिए। साहब, मेरी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, वो यहाँ तक नहीं आ सकती। चलेगा। वैसे आपकी बेटी आपको मिली कहाँ से थी? हुमायूं नगर से एक औरत आबिदा और उसके बेटे ने मदद की। ठीक है, वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन कुछ और डिटेल्स चाहिए होगी। साहब, सब कुछ तो बता दिया आपको। हाँ हाँ, अभी तक जो आपने बताया अपने मन से बताया, लेकिन अभी जो हम सवाल पूछेंगे उसका जवाब दीजिए। अब आपने बताया कि आपकी बेटी परसों गायब हुई थी। जी। कमाल करते हैं राजीव साहब, पहले आना था ना रिपोर्ट लिखाने के लिए, इतना टाइम क्यों लगाया? साहब, बेटी का मामला है। ये पहली गलती है आपकी, अगर आप पहले आ जाते तो केस अब तक सॉल्व हो चुका होता। खैर छोड़िए, अब आगे से ध्यान रखिएगा, बात को बाहर मत जाने दीजिएगा। बार मतलब समझे ना, मीडिया उडिया में। हाँ जी भैया, बोलिए। अंशिका, आई नीड यू हेल्प। बड़ी मुश्किल से श्यामभवी के परिवार वालों को पुलिस में कंप्लेन करने के लिए मनाया, लेकिन पुलिस श्यामभवी के बयान का इंतजार कर रही है। वो श्यामभवी इस हालत में है ही नहीं। इनफैक्ट उसकी हालत तो इतनी नाजुक है। अंशिका, मैं चाहता हूँ कि ये केस खुलकर सामने, ताकि पुलिस पर प्रेशर बने। भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपके और शांभवी के साथ हैं। थैंक यू। इटावा में हुए ब्रूटली गैंग रेप को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठी। पुलिस ने अभी तक उस जगह का भी पता नहीं लगाया है जहां पर विक्टिम के साथ ये घिनौना अपराध हुआ। पुलिस के इस निष्क्रियता और दमन के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। मीडिया के दबाव और पुलिस के आक्रोश से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। इंस्पेक्टर को इस केस से हटा दिया गया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया गया, जिसकी कमान शहर के एसपी आदिल खान ने खुद संभाली। आदिल खान के लिए चुनौती कड़ी थी, शहर में तनाव का माहौल था और लोगों में पुलिस के लिए अविश्वास बढ़ रहा था। शांभवी को न्याय दिलाकर लोगों के मन में पुलिस के लिए एक बार फिर से विश्वास पैदा करना ही आदिल खान का मकसद था। क्या बचा है यहाँ? और ज्यादती करना बाकी रह गया था क्या? राजीव जी, मैं यहाँ पर आपके जख्म खरीदने नहीं आया। यकीनन हमारे डिपार्टमेंट से कोई चूक हुई है, उसी को सुधारने आया हूँ। आपकी बेटी शांभवी को इंसाफ दिलाने आया। खुद एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। शांभवी बेटा, एसपी साहब आए हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। डरो मत बेटा, ये नए अफसर है, हमारी मदद करना चाहते हैं। शांभवी बेटा, मुझे पता है तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा,
लेकिन बेटा उस दिन जो हुआ क्या वो तुम एक बार फिर से बता सकती हो? व्हाइट वैन में शांभवी बेटा रहने दी, इट्स ओके, मैं बाद में आऊं। राजीव जी, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन क्या हुआ था? आई मीन एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर, पिछले कई सालों से शांभवी दीदी हमारे कॉलोनी में आगे बैठने वाले भिखारी चमन चाचा को खाना देती थी। हर रोज की तरह उस दिन भी वो खाना देने गई थी। हम सब दीदी का इंतजार कर रहे थे लेकिन वो लौटी नहीं। हाँ साहब, वो संभवी बेटी खाना देने तो आई थी, वो किसी से बात कर रही थी फोन में, लेकिन उस दिन के बाद नहीं आई। तूने शांभवी का अपहरण तो देखा था? अपहरण किसने किया साहब? वो ठीक तो है? ज्यादा नौटंकी नहीं समझे, सीधे सीधे बोल। उस दिन तुमने किसी सफेद रंग की गाड़ी को देखा था? गाड़ी तो आई थी साहब, कौन से रंग की थी वो याद नहीं। गाड़ी का नंबर? नहीं सर। रोज यही बैठता? जी सर। चमन को खाना देने के बाद शंभावी अपने घर की तरफ गई और बीच रास्ते में किडनैप हो गई। जहाँ पे चमन बैठता है शंभावी का घर ज्यादा दूर नहीं, तो मुमकिन है इसने सब कुछ देखा हो लेकिन शायद छुपा रहा। सर, कहिए भिखारी उनमें शामिल तो नहीं? नजर रखा इस पर, और इसके मुताबिक शांभवी जब अपने घर की तरफ जा रही थी तब वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। शांभवी की कॉलिंग कर्ड से निकलवा। जी सर, शांभवी उस वक्त उसकी क्लासमेट क्षमा से बात कर रही थी। क्षमा? सर, कॉल तो कनेक्ट हुआ था लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई थी। लेकिन मुझे याद है जिस दिन ये सब कुछ हुआ था स्कूल में बहुत बवाल हुआ था। ये स्टडी करने आती है या बाल बढ़ाने आती है? आइंदा से ये बाल बढ़ाए ना तो याद रखना। विकास, तेरी गुंडागर्दी मुझ पे नहीं चलेगी, समझा? चल कर, चलो जाने दो, चलो चलो चलो। शांभवी ने उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दी थी और प्रिंसिपल ने एक वीक के लिए उसे सस्पेंड भी कर दिया था। और फिर विकास ने तूने मुझे स्कूल से सस्पेंड करवाया ना, नेक्स्ट टाइम तेरे बाल नहीं काटूंगा, तेरी नाक काट लूंगा, ताकि तू किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इस बार तो छोड़ दिया तुझे, अगली बार मुझे हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। मेरा तोड़ेगी? अच्छा नहीं किया, इस शोर का बदला लेना हुआ तुझे। तेरा नक्शा नहीं बिगाड़ा ना तो मेरा नाम विकास खड़े नहीं। शांभवी बेटा बेफिक्र हो, मैं तुमसे ऐसा कोई सवाल नहीं करूंगा जो तुम्हें तकलीफ दे, लेकिन फिर भी तुम्हें जहां भी लगे हम इस पूछताछ को वहीं बंद कर सकते हैं, ओके? बेटा तुमने विकास खरे के बारे में पीए शब्बीर अहमद को बताया? सर, विकास ने धमकी दी थी लेकिन तब लगा नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले जब उसका मैसेज आया, मैसेज शांभवी बेटा, क्या अब तो मुझे बताओगे कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इट्स ओके बेटा, रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत लो।
चलो जिन्होंने मेरा कि मैं चिल्लाती नहीं के लिए चिल्लाती रहे, किसी ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी? आए थे कुछ लोग, सुन के मेरी मदद करने। कौन थे वो लोग? अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग थे, मदद कर मदद कर सर। शांभवी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन अभी तक के घर पे वो अकेले गई थी। अगर बहुत सारे लोगों ने उसकी मदद की थी तो अभी तक सामने क्यों नहीं आए? शायद किसी के दबाव में हो। कोई बात नहीं, एक बार क्राइम सीन का पता चल जाए तो सबके सब मिल जाएंगे। तुम व्हाइट मैन क्राइम सीन का पता करो और सुनो, वो विकास करें, बुलाओ सर पुलिस स्टेशन। सर बोल, शांभवी से तेरी क्या प्रॉब्लम थी? सर टेंशन थी और मेरे और शांभवी के बीच, लेकिन मेरा उस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है सर। तो कहाँ था उस दिन? सर मैं तो अपने घर पर ही था सर। तो मतलब तूने कुछ नहीं किया? तब तो तुझे डीएनए सैंपल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो मैसेज, शांभवी को मैसेज क्यों भेजा था? वो मैसेज सर सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा था सर। मुझे लगा उस वक्त मैं उसे धमका भी सकता हूँ और नीचा भी दिखा सकता हूँ सर। तेरी इस हरकत के लिए ना तेरे नक्शा बिगाड़ सकता हूँ, समझे तुम? सर ये हुमायूं नगर का सीसीटीवी फुटेज है, इसमें एग्जैक्टली उसी मॉडल की व्हाइट वैन दिख रही है जिसका जिक्र शांभवी ने किया था। ये वैन 3:32 पर निकलती है और 7:35 पर रिटर्न आई। पता चला ये वैन किसकी है? नहीं सर, नंबर प्लेट क्लियर नहीं है। पता करो शहर में किस किस के पास इस मॉडल की सफेद वैन, एक एक से पूछताछ करो। एक और बात सर, ये एरिया आबिदा के घर से ज्यादा दूर नहीं है। तो पक्का क्राइम सीन भी आबिदा के घर के आस पास ही। यसने किता गुड, लगता है शांभवी के साथ घटना यहीं घटी। सर विक्टिम के शरीर से कांच के टुकड़े मिले और यहां भी इतने कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। सर बॉटल के बड़े कांच के टुकड़े यहां पर हैं। अभिता का घर यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर होगा, शांभवी यहाँ से रेंगते हुए वहाँ गई हो। शांभवी ने बताया कि कुछ लोग उसकी मदद के लिए आए थे, इस कांच की बोतल से उसको जख्मी किया गया, बोतल को पहले वहाँ तोड़ा गया फिर उसी कांच से
उसे यहां लाकर जख्मी किया गया। सर ये देखिए क्या मिला। गुटका? सर लगता है हड़बड़ाहट में किसी की जेब से गिर गया होगा। ये सारी चीजें एविडेंस के तौर पर सील करो और पता करो ये गुटका आसपास कहां मिलता है। सर बलात्कार सिर्फ पीड़िता के शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक अवस्था को भी हानि पहुंचाता है। शरीर के घाव तो शायद वक्त के साथ भर जाएं, लेकिन मन पर लगे घाव बहुत तकलीफदेह होते हैं। शांभवी भी इसी मानसिक यातना से जूझ रही थी। वो दर्दनाक हादसा एक सदमे की तरह से उसके दिमाग पर बार बार दस्तक दे रहा था। दूसरी तरफ एसपी आदिल खान और उनकी टीम इस केस की साजिश को समझने की कोशिश में लग गए। क्राइम सीन के आसपास के लोगों से बात हुई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। उस दिन वहां पर एक शादी थी जहां दिन भर डीजे बज रहा था और लोग उसी के फंक्शन में व्यस्त थे। जितने भी लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि डीजे की ऊंची आवाज के आगे किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। मैम कैटरिंग वालों से बात हुई जिनका विजिटिंग कार्ड मिला था? हाँ सर, उस शादी में कैटरिंग उसी की थी। इनफैक्ट वो उस दिन वहां मौजूद भी था। वो कह रहा था कि उसने तकरीबन 50 लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड दिया होगा। ऑटो 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 अंकल एयरपोर्ट चलोगे? पहले घर पे चलना, मुझे सामान उठाना, फिर एयरपोर्ट चलते हैं। चलो। मुल्जिम शांभवी को उठाकर रैंडमली मयू नगर नहीं लेकर गए। वो जानते थे कि शादी वाला एरिया है, इसलिए वो जानबूझकर उसे वहां लेकर गए ताकि शादी के शोरगुल में लड़की की चीखने की चिल्लाने की आवाज कोई नहीं सुने। अपने खबरियों को वहां एक्टिव, उन्हें कहो कि कुछ भी पता चले तो तुरंत इन्फॉर्म करें। सर अपनी खबरियों से एक इम्पोर्टेंट बात पता चली। तूने तो कहा था कि तूने कुछ नहीं देखा, फिर ये फोन। सच बोल रहे साहब, मैंने कुछ नहीं देखा था। मुझे तो ये भी नहीं पता ये बिटिया रानी का फोन। मुझे पड़ा मिला, उठा लिया साहब। माँ की कसम सच बोल रहे साहब। एक सच और बोल, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो साहब मेरी एक झुग्गी है, वो किराए पे चढ़ाया है। ये सब पैसा किराए का है साहब। तो ये भीख मांगना तेरी हॉबी है क्या? बस समझ लीजिए साहब, भीख मांग कर खाने की आदत पड़ गई। पुलिस को बेवकूफ समझा तूने? सीधे सीधे बोल, शंभवी के अपहरण से तेरा क्या लेना देना? मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। पिछले कई सालों से वो हर दिन खाना खिलाती है मुझे। आप चाहो तो साहब ये सारे पैसे आप ले लीजिए, मैं खुशी खुशी दे देना साहब। बस आपसे एक विनती है, उसके गुनाहगारों को सजा दिलवा दीजिए साहब, यही विनती है। सब मेरी गलती है, मैंने तुझे हमेशा डांटा, कभी तुझसे प्यार नहीं किया। तुझे ना जैसे कपड़े पहनने पहन, तुझे जैसे बाल काटने काट ले, मैं तुझे नहीं टोकूंगी। बस तू ठीक हो जा। अब पछताने से क्या फायदा अम्मा, आप यहां से चली जाइए, चली जाइए। सर डंप डेटा से कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा है। उस एरिया में कई टावर्स होने की वजह से हमें ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिले जो उस दिन वहां मौजूद थे, लेकिन विकास खरे का फोन उस एरिया में एक्टिव नहीं था। हो सकता है वो अपना फोन घर पे छोड़ के गया। फॉरेंसिक से कोई अपडेट? जी सर, क्राइम सीन से मिले बॉटल के टुकड़े और विक्टिम के बॉडी से मिले कांच के टुकड़े मैच हो गए। फॉरेंसिक ने क्राइम सीन से जो कपड़े उठाए थे उससे भी डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नेक्स्ट वीक तक ये रिपोर्ट भी आ जाएगी कि विक्टिम की बॉडी से मिले डीएनए और कपड़ों से मिले डीएनए मैच होते हैं या नहीं। अगर हम अपनी तहकीकात का रुख उल्टा कर दें तो? मतलब सर? I mean, अदर वे राउंड। अभी तक हम विक्टिम से बाकी लोगों के डॉट्स जोड़ रहे हैं, अगर हम इसका उल्टा करें, डंप डाटा में जितने भी लोगों के नंबर मिले हैं उनके प्रोफाइल चेक करें, उसमें ये चेक करें कि उनमें से वो लोग कौन है जिनका विक्टिम शांभवी से कोई ना कोई कनेक्शन है,
चांस लेकर देख सकते हैं सर। एमएम कैटर से कोई अपडेट? हाँ सर, सात ऐसे लोगों का पता चला है जो उस दिन शादी में वहाँ मौजूद थे और जिन्होंने एमएम कैटरर्स को बाद में कांटेक्ट किया अपने यहाँ किसी फंक्शन के लिए। नजर रखो, कुछ भी अटपटा लगे उठा लो। सर सर सर, गुटके से कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन अपने खबरियों ने बताया कि जिस कार का यूज़ रेप केस में हुआ था वैसी ही कार का पता चला है। सर, शांभवी की हालत फिर से बिगड़ने लगी है, लगता है वो अपनी उम्मीद खोती जा रही है। डॉक्टर आप तो कह रहे थे कि उसकी हालत में सुधार आ रहा है। हाँ, कहा था कि उसकी सभी रिपोर्ट्स इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा, यहाँ तक कि वो अपने पैरों तक को हिला नहीं पा रही। मानो वो चाहती नहीं कि वो ठीक हो साइकोलॉजिकली। सर दवाइयाँ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इंसान ठीक होता है अपनी विल पावर से। रेप और ह्यूमिलेशन ने उसके ब्रेन के एक हिस्से को बुरी तरह डैमेज कर दिया और वो तब तक नहीं भरेगा जब तक वो खुद नहीं चाहे। सर, व्हाइट कार की डिटेल्स आरटीओ से आ गई है। वो कार पहले फैज शेख नाम पे रजिस्टर्ड थी, लेकिन फैज अभी दुबई चला गया। प्राइम में जिसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई वो हमारे हाथ से निकल गया। सर और एक बात पता चली, फैज के दुबई जाने के बाद उसी एरिया का और एक आदमी अकरम बेग, उसने भी दुबई के वीजा के लिए अप्लाई किया था। सर खबरियों ने बताया कि एक महीने पहले तक उसका दुबई जाने का कोई प्लान नहीं था और ना उसके पास पैसे थे। मुझे शक हुआ तो मैंने क्राइम सीन के डम डाटा में उन दोनों का नंबर चेक किया। ये अकरम और फैज दोनों मौजूद थे वहाँ पर? हाँ सर। था इस अकरम को? सर सब लड़की के साथ कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ वहाँ पे मौजूद था और सब शादी का खाना खाकर लौट रहा था। ए क्या कर रहे हो? हाँ क्या ए क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? अरे अकरम सबसे मजे ले रहे, तू भी ले ले, मुंह बंद रखना है। क्या अभी ठीक है, नहीं करना है, मत करना, इट्स फाइन, बस मुंह बंद करने का क्या लेगा वो बताना खाली। और तुमने दुबई का टिकट ले लिया? जी सर। और कौन कौन शामिल, नाम बोल सकते हैं? सर मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ, सिर्फ फैज को जानता हूँ सर। नाम से नहीं जानता लेकिन शक्ल तो पहचानता होगा ना? वहाँ पे जो लोग शामिल थे उनको पहचान तो पाएगा ना? जी सर। जिन सात लोगों की लिस्ट बनी थी, जिनके घर में फंक्शन था, सबकी फोटो दिखाओ। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, सर मैं उस लड़की को जानता भी नहीं था सर, सर मैं अपने फोन से बात करके वहां से जा रहा था, तभी मैंने लड़की की चीख सुनी। अंदर गया तो देखा कि कुछ लोग उसका रेप कर रहे थे। अबे तू क्या डर रहा है, फ्री का माल है, तू भी मजे ले ले। चल सर मेरे से पहले भी वहां चार पांच लोग थे और मेरे बाद 10-12 लोग और आए सर। नाम बोल, कौन कौन थे? नाम जुमी, इफ्तिखार, नौमान और आजाद। वो बारात में आए हुए को लेके चाचा इम्तियाज भी थे सर। बारात में आए बाराती बन के, रेप होता देखकर रेपिस्ट बन गए। दो चीजें मेरी बीवी को गुजरे हुए 6 साल हो गए साहब, मैं उस दिन फोन पर किसी रिश्तेदार से बात कर रहा था और आपको जो करना कर लो ना। देखो चाचा आप ना खाली अपना मुंह बंद रखो। लड़के को किडनैप किसने किया था? साहब हमको नहीं पता साहब, हम लोग तो वहाँ लड़की की चीख सुनकर ही पहुंचे थे साहब। तो
एक टीम मिली है। रफीक नाम के आदमी का गैरेज है, शांभवी के घर से थोड़ी ही दूर, और फैज रफीक का बहुत अच्छा दोस्त है। और रफीक के गैरेज में दो लड़के काम करते हैं, नईम और शिवा। फैज की उन दोनों से भी दोस्ती है। उठा लो। तुम लोगों की सारी पोल खुल चुकी है, अगर सच नहीं बोलोगे ना तो हड्डियों के जोड़ भी खोल देंगे। बोलो, तुम लोगों ने फैज के साथ मिलकर ये घिनौनी हरकत क्यों की? बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। हमने उठाया था उसे, नईम, फैज और रफीक सब साथ साथ। शांभवी के साथ तुम लोगों की क्या दुश्मनी थी? सब बहुत शौक था उस लौंडिया को लौंडा बनने का, बहुत गुरूर था उसको अपनी खूबसूरती पर और दिमाग पर। और रफीक भाई, इन लौंडियों के बाप को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ रही है। ऐसा पानी फेरेंगे कि इनके बाप की चर्बी भी पिघल जाएगी। देखो कैसे घूर रही, देखो। लगता बताना ही पड़ेगा। हो गई ठंडी। मेरी बात सुनो, घर जाते जाने तो छोड़ दो। ना मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है ना तुझे, तो ऐसी जगह जाके दिखा कि तेरी अम्मी और बहन भी देख सके, समझा? लेकिन उसने लौंडिया पने की सारी यादें पार करती थी। हमारे दोस्त रफीक को हमारी दुकान पे थप्पड़ मार के साथ सबके सामने सरे बेइज्जती कर दी हमारी। देसी लड़की दिन दहाड़े थप्पड़ मार गई, नामर्द बोल गई, घर का काम काज छोड़ के बाहर घूमती है मर्दों की तरह, और हमें क्या तेल रही है? सबक तो सिखाना पड़ेगा रफीक भाई। सबक तो मैं सिखाऊंगा उस लौंडिया को, पर कैसा सिखाऊं ये समझ में नहीं आ रहा है। बस मेरे पास एक रास्ता है, अपने फैज के पास गाड़ी है ना, और अपने को गाड़ी मिल जाए ना तो अपना काम हो जाएगा। 5-6 महीने तक हमने कुछ नहीं किया था ताकि मामला शांत हो जाए। वो रोज उस भिखारी को खाना देने जाती थी, हम लोगों ने सारा इंतजाम कर लिया था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और उस दिन तो बॉबी भी उसके साथ नहीं आई थी साहब, हमें वो मौका एकदम सही लगा काम को अंजाम देने का, हमने फौरन फैज को बुला लिया। शांभवी, डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना, ये कुछ बोल नहीं रही है, देखिए, देखिए ना इसको क्या हो गया? शांभवी बेटा, शांभवी, डिप्लोमेसी के तहत पुलिस दुबई जाकर बैठे फैज शेख को इंडिया लाने में कामयाब हो गई। शांभवी के सभी गुनहगार इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये दिन देखना शांभवी के नसीब में नहीं था। शांभवी एक बहुत ही होनहार और साहसी लड़की थी, एक उज्जवल भविष्य उसके सामने था, लेकिन कुछ लड़कों की भद्दी सोच और हैवानियत ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं के बारे में हम अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं,
और शायद यही कारण है कि हम इस समस्या को एक आम समस्या मानने लगे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये घटनाएं हमारे समाज के चरित्र को दिखाती हैं। कॉलेज जाने वाली लड़की हो या फिर काम करने वाली महिला, हर औरत को कभी ना कभी इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है। कुछ महिलाएं तो छेड़छाड़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं और डटकर उनका मुकाबला करती हैं, पर ज्यादातर महिलाएं चुप रहना ही बेहतर समझती हैं। लेकिन चुप्पी समझदारी नहीं है, ऐसा करने से इन घटनाओं को और बढ़ावा मिलता है। इस समस्या से निपटने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम ईव टीजिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं और साथ ही साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस को भी सख्त रवैया अपनाना होगा, तभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बन पाएगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।